हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैगी से बने समोसे। तो मैगी से बने समोसे बनाने के लिए हमने 1 कप यहाँ से मैदा ले रखा है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कलौंजी। कलौंजी मिला लिया है और इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक स्टफिंग में भी रहेगा, इसलिए इसमें हल्का डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल, 1 स्पून। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये हाथ थैली में बंध न जाए। तो इस तरीके से हमें मिक्स करना है। ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स करना है। तभी एक क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो देखिए, ये हथेले में बनने लगा है बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से बनना चाहिए। तो ये मिक्स हो चुका है, समझ लीजिए ऑयल इसमें अच्छे से आ चुका है। अब हम इसका डो लगा लेंगे। हम यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं। हम गर्म पानी ले लेंगे और इसे गूंथ लेंगे। हमें एक बार सारा पानी नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसका जो डो है बिल्कुल रोटी जैसा नॉर्मल रहेगा। तो इसे गूंथ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आटा गूंथ चुका है, इसका डो तैयार है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आटा का डो तैयार है और हमने यहाँ पे आटा ले लिया है। तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़े लोहे के काट लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। इसका हम लोई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें लोई बना लेना है। बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से सारी लोइयां बना लेना है हमें। तो फ्रेंड्स, हम एक रोल बोर्ड ले लिए हैं यहाँ पर और
को ले लेंगे और अब इसे रोलिंग बोर्ड की सहायता से दे लेंगे। हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेना है मैदा का। तो इस टाइप से हमें बेल लेना है। ये देखिए बेल लिए हैं, इसी तरह की सारी पूड़ियाँ हम बेल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हम सारा ये तैयार कर लिए हैं और हम कढ़ाई रख दिए हैं गैस पे और कढ़ाई मेरी हीट हो चुकी है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो उसे हम यहाँ ऑयल डाल देते हैं। ऑयल मेरा हीट हो चुका है और हम एक एक करके डाल देते हैं इसमें। और इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए कैसा फूल रहा है मेरा। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं दूसरी साइड। इस साइड भी हम इसे फ्राई होने देते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसे पलट पलट कर अच्छे से पका लेते हैं। इस साइड भी हम पका लेते हैं। इसे अच्छे से पकने देना है, नहीं तो जब वाइट होएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा सा अंदर से कच्चापन लगेगा। तो इसलिए अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं।
चुका है मेरा। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा बन चुका है चाउमीन समोसा। तो देखिए बिल्कुल फुला फुला और काफ़ी क्रिस्पी है और एकदम अंदर से सॉफ्ट भी है। तो चलिए हम आपको एक तोड़ के दिखा देते हैं कि अंदर से एक कैसा बना हुआ है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से है और देखिए कितना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो बिल्कुल झटपट तैयार हो जाता है। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए और एक बार खा के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन